नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ ISCTC का यूजर नेम और पासवर्ड को रीसेट या रिकवर कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप भी ISCTC का पासवर्ड भूल गए हैं और यूजर नेम भी भूल गए, उसको रिकवर करना चाहते हैं, फॉरगेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। दोस्तों, इससे पहले आप सबको मैं बता दूं, आप पुराने वीडियो को देखिएगा ISCTC का यूजर नेम या पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए, तो आप पुराने वीडियो को देखकर नहीं कर पाइएगा, प्रोसेस बदल चुका है। इस न्यू वीडियो में आप सबको यही बताने वाला हूँ ISCTC का यूजर नेम को रिकवर कैसे करते हैं और ISCTC का पासवर्ड को फॉरगेट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस तरह का हेल्प वीडियो के देखने के लिए बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटों को उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से ISCTC एप्लीकेशन को ओपन कराना है। दोस्तों, आप चाहें तो ISCTC की वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मैंने ISCTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पर ओके का बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ISCTC का होम पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर पर जो लॉगिन का बटन है, आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इन का पेज आ चुका है। यहाँ पे हमसे यूजर नेम मांग रहा है, नीचे पासवर्ड मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें यूजर नेम और पासवर्ड पता नहीं है, तो यूजर नेम और पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, फॉरगेट अकाउंट डिटेल। तो जहाँ पर लिखा फॉरगेट अकाउंट डिटेल्स, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर पूछ रहा है ISCTC का यूजर नेम / ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ISCTC का यूजर नेम पता है और आप पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर आपको अपना ISCTC का यूजर नेम डालना है। यदि आप यूजर नेम भी भूल गए, पासवर्ड भी भूल गए, तो यहाँ पे आपको ISCTC में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है। आपको यूजर नेम पता है फिर भी आप चाहे तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं। तो ISCTC में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। मोबाइल नंबर को डालने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे कैप्चा डालना है, जो यहाँ पे इमेज में दिख रहा है। यदि कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कैप्चा को यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल देने के बाद में आपको नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको ओके के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ISCTC में अकाउंट बनाते समय जो आप मोबाइल नंबर दिए हैं, यानी कि ISCTC में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर पे एक SMS जाता है। मैं अपने फ़ोन से SMS को ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरह का SMS आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ISCTC से एक SMS आ चुका है हमारे फ़ोन पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे जो ISCTC का यूजर नेम है, यूजर नेम यहाँ पे भेज दिया गया है और साथ में OTP भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को अपना ISCTC का यूजर नेम पता लग चुका है। यहाँ पे SMS में जो भेजा गया है, यही आपका ISCTC का यूजर नेम है। इसको कहीं पे आपको नोट करके रख लेना है, और इसके साथ ही साथ आपको OTP भी भेजा गया है। तो यहाँ पे आपको आना है ISCTC पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमसे ISCTC का यूजर नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना ISCTC का यूजर नेम डाला है, आपको अपना ISCTC का यूजर नेम पता लग चुका है जो SMS में आया है। इसके नीचे OTP डाला है, यूजर नेम के साथ में OTP भी आता है, 6 नंबर का OTP आपको यहाँ पे डालना है। इसके नीचे न्यू पासवर्ड पूछ रहा है। तो फ्रेंड, जो आप ISCTC के लिए पासवर्ड बनाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं नया पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको डालना है। दोस्तों, यदि आपको पता नहीं है कि पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप सबको स्क्रीन पर देख रहा है, जिससे कि बिहार में भी बड़ा है, इसके बाद 1999। इस तरह से पासवर्ड आपको बना लेना है। नीचे कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड को डाल देना है। इसके नीचे आपको कैप्चा डालना है, जो यहाँ पे इमेज में देख रहा है। यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कैप्चा को रिफ्रेश भी कर सकते हैं, और जो यहाँ पे कैप्चा देखेगा वही चीज़ आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे यूजर नेम, OTP और पासवर्ड डाल देने के बाद में आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों, आपका पासवर्ड सक्सेसफुल सेट हो चुका है। आपने जो नया पासवर्ड यहाँ पर बनाए थे, वही आपका ISCTC का पासवर्ड है। दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को ISCTC का यूजर नेम भी पता लग चुका है और आपने नया पासवर्ड भी बना लिया। दोस्तों, अपना ISCTC का यूजर नेम और पासवर्ड को कहीं पे नोट करके रख लीजिएगा। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन इन करने का दोबारा से पेज आ चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना ISCTC का यूजर नेम डालना है। आपको ISCTC का यूजर नेम आपको पता लग चुका है। इसके नीचे आपको पासवर्ड डालना है। अभी आपने जो पासवर्ड बनाया था ISCTC का, वो पासवर्ड आपको डालना है। इसके नीचे यहाँ पे कैप्चा जो दिख रहा है इमेज में, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको नीचे लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 नंबर का पिन सेट करना है। यहाँ पे 4 नंबर का पिन इसलिए सेट करना है, आप ISCTC एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा तो आपको बार बार यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालने की जरूरत पड़ेगा। आप इस 4 नंबर का पिन से भी लॉगिन हो सकते हैं।
तो आप जो 4 नंबर का पिन सेट करना चाहते हैं आपको डालना है, इसके नीचे कन्फर्म पिन में दोबारा से उसी पिन को डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 4 नंबर का पिन भी सेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ISTC में लॉगिन भी हो चुका है। ISTC एप्लीकेशन से मैं एग्जिट होकर दोबारा से ओपन करके आप सबको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ISTC एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमसे 4 नंबर का पिन मांग रहा है। तो फ्रेंड, जो आपने ISTC का 4 नंबर का पिन सेट किया है उस पिन को आपको डालना है। इसके नीचे आपको कैप्चा डालना है जो यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जिसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आप ISTC एप्लीकेशन में सक्सेसफुल लॉगिन हो जाएगा, जिसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप ISTC का यूजर नेम और पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट प्रॉब्लम या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।